स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का भारती टेक चैनल पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय कुमार भारती। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं रिचार्ज वायरस से रिलेटेड कुछ समस्याओं के बारे में। तो उन समस्याओं से रिलेटेड मैंने सोचा कि वीडियो बनाया जाए। काफ़ी सारे लोगों की ये दिक्कत हो रही है कि उनके वॉलेट में 277 रुपये जो आए हैं उसका वो क्या करेंगे, ठीक है, रिचार्ज कैसे करेंगे। तो बेसिकली उन्हीं सब मुद्दों से रिलेटेड मैं आज इस पर बात करने वाला हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को साथ में लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि उसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे और उसमें आपको दिक्कत हुई है तो उसका निदान कैसे होगा। तो बात करें अगर रिचार्ज फॉर्म में जो आपको 277 रुपये दिए गए हैं वो पिछले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बताया था, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके समझ में अभी तक ये नहीं आया है कि उस रुपए का वो करेंगे क्या, ठीक है। और एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि होल्ड वॉलेट क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं यहाँ पर बात करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो 277 रुपए आपको मिले हैं उसका आप क्या करेंगे, ठीक है। तो अब ये वॉलेट है आपका, ठीक है, जैसे RFU का जो वॉलेट है उसके अंदर आपको 277 रुपए मिल गए हैं। अब जो पैसा आपको वहां पर मिला है वॉलेट के अंदर, ठीक है, तो कंपनी ने क्या कहा था कि इस महीने का जिनका फेल बता दे रहा है, ठीक है, या रिन्यूअल नहीं हो रहा है या पेंडिंग बता दे रहा है या जो भी समस्याएं हैं या नेक्स्ट मंथ का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है तो इस महीने में तो उनका रिचार्ज हो नहीं पाएगा। तो कंपनी ने सोचा कि उनको इस मंथ का जो रिचार्ज का प्लान है उसका पैसा उनको इनके RFU के वॉलेट में दे दिया जाए ताकि वो बाहर से कहीं, ठीक है, RFU से नहीं, बाहर से कहीं, यानी कि वो पैसे 277 रुपए आपके वॉलेट में है यानी कि आपको मिल गए। अब उस पैसे को आप, जैसे RFU का जो लिमिट होता है कि इतने पैसे ही आप बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, तो जब वो आपका लिमिट कंप्लीट हो जाएगा तब आप उस पैसे को आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब पैसे आपके बैंक में चले जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आप बाहर से कहीं इस महीने का रिचार्ज करवा लीजिए, ये कंपनी का कहना, ठीक है। और मैं बेसिकली कंपनी की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अपना खुद का अनुभव लेकर ही कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की समस्याएं भी मैंने दूर की हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी समस्या आज भी मैंने कम से कम 10 लोगों की प्रॉब्लम आज मैंने सॉल्व की है। तो ऐसा नहीं कि ये कई बार हो जाता है कि कुछ टेक्निकल इशू है इससे नहीं होता, भाई कोई भी चीज़ है, नेटवर्क का मामला है तो जाहिर सी बात है ये सारी दिक्कतें होना ही होना है। तो परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, ये फाइनली आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और जिनका फेल्ड पेंडिंग बता दे रहा है तो भाई इसमें कोई समस्या नहीं। और मैंने ये भी बताया था कि जब भी आप रिचार्ज करें तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 10 बजे के बीच में ही रिचार्ज करें, ठीक है, तभी आप, और ज़्यादा कोशिश करें कि 10 बजे के ठीक तुरंत बाद आप प्रयास करें कि एक घंटे या दो घंटे के अंदर आप रिचार्ज कर लें, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेट होता है तो मैंने बताया ही था कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड बात करेंगे जो होल्ड वॉलेट है, ठीक है, होल्ड वॉलेट के बारे में एक लोगों ने कमेंट किया था। तो अगर होल्ड वॉलेट की बात करें तो उसके बारे में अभी फुल अपडेट नहीं मिला है मुझे, जैसे ही उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हो जाएगी तब मैं आपको उस जानकारी को शेयर करूंगा, क्योंकि अधूरी जानकारी अच्छी नहीं होती है। जिसे कहावत आपने सुनी होगी, अधिगल अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है, तो बिल्कुल वही वाली हालत हो जाएगी। तो मैं सोचता हूँ कि जब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरे पास आए तभी आपके सामने वो जानकारी प्रस्तुत की जाए, तब आपको अच्छे से पता चले, ताकि आपके समझ में भी आना चाहिए कि मैं जो बता रहा हूँ, जो कह रहा हूँ वो सही है ना सही, क्योंकि मेरा काम ही है आपको सही जानकारी प्रोवाइड करना, ना कि कंपनी के अकॉर्डिंग चलना, ठीक है, क्योंकि मैं अपना खुद का चैनल से बताना चाह रहा हूँ कि लोगों की इसकी जो RFU है उसकी मदद करे। अब RFU अगर कुछ गलत काम कर रहा है तो उसके बारे में भी आपको बताऊँगा, अगर RFU सही कर रहा है तो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ सच ही बताऊंगा, जो भी आपके हित में हो, पब्लिक के हित में जो भी होगा, ऑडियंस के हित में जो भी होगा वही मैं आपके सामने शेयर करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है, नॉलेज अगर अच्छी मिली है आपको, तब आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हो सके तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि न्यू अपडेट्स आपको फटाफट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।